नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ज्योति मौर्य से जब पूछताछ की गई तो ज्योति मौर्य ने कहा ना तो डायरी मेरी है और ना ही हैंडराइटिंग मेरी है। अब तक लगातार जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब जांच कमेटी ने फैसला लिया है। फैसला ये लिया है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते जांच आगे नहीं बढ़ेगी, आरोप सिद्ध होने के बाद जांच आगे बढ़ाई जाएगी। ये तमाम रिपोर्ट आपको बताते हैं कि एक बार फिर से इन दोनों के ही बयान दर्ज किए जाएंगे। दो दिन का वक्त जांच कमेटी ने दिया है कि दो दिन के भीतर आप जितने भी प्रूफ हैं जो लेकर के आ सकते हैं आप लेकर के आइए। आप दोनों ने जो आपस में आरोप लगाए हैं उनके कुछ प्रूफ तो होंगे, कुछ तो होंगे, उसको लेकर के आइए, फिर उसके बाद जो जांच है जांच कमेटी जो आगे बढ़ाएगी। अब इस पूरे मामले में हो क्या सकता है आपको बताते चलते हैं। बता दें कि ज्योति मौर्य का जब बयान दर्ज किया जाएगा महिला मजिस्ट्रेट के आगे वीडियोग्राफी की जाएगी और साथ ही जांच जो है वो पूरे सुरक्षा के दायरे में जो है वो की जाएगी। आरोपों की पुष्टि होने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि पीसीएस ज्योति मौर्य पर अवैध मकान फ्लैट जमीन खरीदने के भी आरोप आलोक मौर्य ने लगाए हैं। इसके बाद आपको बता दें शासन की शिकायत के बाद मंडलायुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत को जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। यानी कि अब जो दो दिन का समय मिला है उसमें एक बड़ा फैसला है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो जांच कमेटी जांच आगे बढ़ाएगी और अब दो दिन के वक्त के बाद जो जांच है जो फैसला जांच कमेटी ने लिया है वो किया जाएगा। यानी कि दो दिन कहीं ना कहीं से ये कहा जा सकता है कि जांच अभी स्थगित है। दो दिन के बाद जैसे ही सबूत सामने आते हैं वैसे ही दोबारा से जांच जो है वो शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल देखना है कि आगे इस पूरे मामले में क्या अपडेट आती है। लेकिन अब ज्योति मौर्य का केस जो जहां से कमजोर लगता हुआ नजर आ रहा था, एक बात तो साफ है कि ज्योति मौर्य ने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत भी कोर्ट में पेश करेंगे। ऐसे में खास बात यह है देखना कि आलोक मौर्य के खिलाफ कौन कौन से सबूत ज्योति मौर्य इन दो दिनों में पेश करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।